नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को जय श्री राधे। तो इस समय हम गुप्त काशी में हो और गुप्त काशी की बात करते हैं। आज के कार्यक्रम की बात आपको बता दें कि रियासी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। आज से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो हुआ है, और इसी कड़ी में आपको बता दें कि रियासी से कलश यात्रा जो है वो निकली है और इस पवित्र गुप्त काशी से यहाँ से चंद्रभागा से जल लेके रियासी जहाँ पे भागवत कथा चल रही है वहाँ पे ले जाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखाएंगे। बता दें कि इस कथा के आयोजन की बात करते हैं तो कथा वाचक कन्हैया जी द्वारा इस कथा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह का भक्तों में यहाँ पे उत्साह है वो भी देखेंगे। जमाने में रही होगी जब किसी को पता नहीं था, गुप्त रही होगी। आज ये गुप्त नहीं है, आज तो ये अद्भुत काशी है और अद्वितीय काशी है। अब तो ये प्रत्यक्ष हो गई है और सब इसको देख रहे हैं और सब यहाँ आकर के अपने आप को कृतार्थ कर। सावन का पहला दिन है और श्री भागवत कथा का आयोजन जो है ये रियासी में बामुकाम गढ़ाल गार्डन स्टेट में किया गया है और उसी के उपलक्ष में आज कलश यात्रा जो है, जो रियासी का बड़ा ऐतिहासिक मंदिर कालका माता जी का, उसके चरणों से शुरू होके पूरे रियासी मेन बाज़ार से होते हुए महादेव मंदिर से होते हुए आज काशी मंदिर में यहाँ पे आके कलश जो हैं ये भरे गए हैं और इस जो भागवत कथा का आयोजन आज से शुरू हुआ है और ये कथा एक हफ्ते तक चलेगी, जिसमें हमारे शास्त्री सुमंत कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिनको प्यार से कन्हैया जी भी बोलते हैं, ये जाने माने कथाकार हैं। इनको लोग मीडिया में भी देखते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते हैं और देश के भिन्न भिन्न इलाके में जाके ये कथा करते हैं। आज ये सौभाग्य है हमारा कि रियासी में इस पावन अवसर पर, जो कि एक सावन का माह शुरू होने वाला है, तो उसमें ये आज कथा शुरू की है। इस माह का अपना ही एक बड़ा महत्व है और इसमें कथा सुनने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं यही कहूँगा, आज इसका कलश यात्रा पूरे शहर से होते हुए आई, जाने माने व्यक्तिगण सारे शहर के जो हैं इस कलश यात्रा में शामिल रहे और बहुत ही अच्छा जो है जिसको हम चंद्रभागा नदी भी बोलते हैं, इसका कलश आज भर के ये आज ले जाकर इसको गार्डन स्टेट में रखेंगे और कल से 1 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है ये कथा जो है वो रहेगी। मैं आपके माध्यम से भी जो है पूरे जिला के लोगों को, पूरे गांव-गांव के लोगों को, रियासी के लोगों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को आग्रह करता हूं कि आप सभी आके इस कथा में हिस्सा लें। कथा में आके शास्त्री जी कन्हैया जी की जो है इन कथा को सुने
और जो भागवत जो है इनका आशीर्वाद लें। और यही कहकर मैं एक बार पुनः कृष्ण एक बार जोर से जायका लगाऊंगा, सभी को बोलो कृष्ण भगवान की राधे 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 राधे। आप सभी को राधे राधे। और आज बड़ा ही आनंद आया है, यहाँ रियासी के सभी भक्तों ने हमारे आदरणीय नंदा जी साहब के साथ मिलकर के और इनकी प्रेरणा इन्होंने सबको रियासी में जितने भी भक्त लोग हैं सबको अपने यहाँ बुला करके सबको संदेश दिया। अपने संगठन वालों को भी कहा कि धर्म कार्य में अग्रसर रहना चाहिए। और बड़ी बात यह है संगठन के अपने सभी लोगों को और जो भी यहाँ पर अपने पदस्थ हैं जैसे साथ में आप भी पूरी जल यात्रा में साथ रहे और आपने अपने संगठन के सभी व्यक्तियों को साथ रखा। और मेरे सभी प्रेमी जन भक्तजन शिष्यजन अगार बलिया से सभी आए, मेटाटोर हैं भर भर के आए, खूब अद्भुत जब यहाँ आ रहे थे तो बड़ा आनंद आ रहा था। एक ऐसा अद्भुत काफिला देखने को लग रहा था, खूब भक्तों का सैलाब है। और आनंद की बात है जैसे आपने कहा कि आपको गुप्त काशी में आके कैसा लग रहा है, ये गुप्त काशी कभी अपने ज़माने में रही होगी जब किसी को पता नहीं था गुप्त रही होगी, आज ये गुप्त नहीं है। अब तो ये अद्भुत काशी है और अद्वितीय काशी है, अब तो ये प्रत्यक्ष हो गई है और सब इसको देख रहे हैं और सब यहाँ आकर के अपने आप को कृतार्थ करते हैं। अगर जो वहाँ नहीं जा पा रहा है तो भगवान भोलेनाथ स्वयं काशी विश्वनाथ यहाँ विराजमान हैं। तो आज ये यहाँ आने की प्रेरणा भी नंदा साहब ने दी थी कि क्यों ना जल वहाँ से लिया जाए। तो आज इन्हीं के साथ जब निकले मुख्य बाज़ार में होते हुए बड़ा अद्भुत आपका जो मार्गदर्शन रहा ये था कि हर द्वार पर हर दुकान पर हर प्रतिष्ठान पर हर समाज के व्यक्ति ने आज भागवत जी पर सब वैष्णवों पर सब भक्तों पर खूब फूल वर्षा की और खूब जय जयकार के साथ तो खूब अद्भुत शोभा यात्रा कलश यात्रा संपन्न हुई है। आगे 7 दिवसीय ये भागवत कथा चलेगी 11 जुलाई को कथा का विश्राम होगा, भोग डलेगा, पूर्णाहुति होगी। तो आप सभी वैष्णव पधारें, नित नई लीलाओं का आनंद होगा, कृष्ण जन्म गिरिराज पूजन विवाह उत्सव सुदामा चरित्र इत्यादि ऐसे मंगलमय प्रसंग आप सबको आनंदित करते रहेंगे। ब्रजवासी लोग आए हैं, स्वाभाविक है ठाकुर जी का हर दिन कोई ना कोई लीलामय संपन्न होगा। आप सब लोग पधारें, खूब आनंद प्राप्त करें। एक बार पुनः सभी को प्रेम से सब बोलेंगे जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक बार पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के बोले जय जय श्री राधे 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 राधे। जी जब से आप